फाइनली एग्जाम का प्रश्न पत्र आ चुका है। देखिए आप यहां पर पूरी तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके का सेम बिल्कुल आपको क्वेश्चन छापे जाने वाले, बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां से आप लोग छोड़ करके चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा मिस कर देंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपके 1 फरवरी में छापे जाने वाले हैं। तो पूरी तरीके से 1 फरवरी के लिए पूरी तरीके से आपको वीडियो देखना है और देखने के बाद आपको यहां पर सारे प्रश्न नोट कर लेने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का सेम प्रश्न रहेगा, आप लोगों को बता दें पूरी तरीके से। और यहां पर देखिए सबसे पहला प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण मतलब था तो क्या था, फटाफट से आप लोग जवाब देने। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी कार दुर्घटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से 1 फरवरी में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो पूरी तरीके से देख लीजिएगा और जाकर के यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जाएगा, रजनीश का संधि विच्छेद। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है, दूसरा नंबर राइट आंसर क्या होगा, रजनीश और ईश करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पवन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग यहां पर बता सकते हैं। 1 फरवरी का जो क्वेश्चन पेपर है यहां पर पूरी तरीके से आ चुकी है, आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा और इनमें से जो है बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो 3 नंबर का आंसर श्रीमत पोज और अनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। कह रहा है कि सत्कार का संधि विच्छेद है, तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, 4 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, सत्यजोर कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय संधि विच्छेद क्या होता है, तो फटाफट से आप लोगों को बताने। तो यहां पर राइट आंसर ए नंबर का विद्या और आलय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दिनेश का संधि विच्छेद है, तो दिनेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप लोगों को फटाफट से जवाब देने, यहां पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेगा, तो ए नंबर दिन जोर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है, आप लोगों को जल्दी से जवाब देने। तो यहां पर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना और जवाब तेजी से देने। कह रहा है कि पूर्णिमा का यानी पढ़ते हैं, तो पूर्णिमा का पढ़ते क्या होता है, आप लोग जल्दी से जवाब देने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से हम लोग को कवर करने सारे प्रश्न को। तो यहां पर राइट आंसर ईमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, जलज का समास है, तो जलज जो है कौन सा समास है, तेजी से बताने। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का श्री नंबर का यानी कर्मधारय समास है। ठीक है जी, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिवालय कौन सा समास है, तो दिवालय जो है कौन सा समास है, तो 10 नंबर का रेपिड श्री नंबर का तत्पुरुष समास है। ठीक है, पूरी तरीके से ये प्रश्न आपके छापे जाएंगे और यहां पर पूरी तरीके से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, लंबोदर कौन सा समास है, तो लंबोदर जो है कौन सा समास होगा, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, बहुवीरी समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रात दिन कौन सा समास है, तो रात दिन जो होगा कौन सा समास होगा, तो यहां पर आप लोगों को 12 नंबर का दिखाते हैं, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो शिनमनी द्विंद्व समास है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि प्रतिदिन कौन समास है, तो प्रतिदिन जो होगा कौन सा समास होगा, तो फटाफट से आप लोगों को बता रहे हैं, 13 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का अव्ययभी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, आग का पर्यायवाची शब्द है, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग को बताने, 14 नंबर का, तो 14 का राइट आंसर शी नंबर का नहीं क्या होगा, अग्नि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को बताने, 15 नंबर का, तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी परमात्मा करेक्ट आंसर क्या होगा, ईश्वर का करेक्ट आंसर क्या होगा, परमात्मा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अभी देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि अंधकार का विलोम है, तो अंधकार का विलोम क्या होता है, बिल्कुल आप लोग को यहीं से पूरी तरीके से 1 फरवरी में क्वेश्चन आने वाले हैं और आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी प्रकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अधेय का विलोम होगा, तो अधेय का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 17 नंबर का श्री नंबर सदे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला, गोरा का विलोम होगा, तो गोरा का विलोम क्या होगा, तो यहां पर देख लीजिए काला करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए सभी को फटाफट से देख लेना ये सारे प्रश्नों को। अब यहां देखिए ठंडा का विलोम है, तो ठंडा का विलोम क्या होगा, तो राइट आंसर देखिए 19 नंबर का यहां पर बी नंबर का नहीं गर्म करेक्ट आंसर का गर्म करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, दिवाकर का विलोम है, तो दिवाकर का विलोम क्या होता है, तो यहां पर जो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तमश क्या होगा, दिवाकर का तमश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, सॉरी दिवाकर का 20 नंबर का निशाकर करेक्ट आंसर होगा, सॉरी यहां पर राइट आंसर ए नंबर होगा। ओके जी, चलिए अब देखेंगे आगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि साधारण का विपरीत आर्थिक शब्द है, तो साधारण का विपरीत आर्थिक शब्द क्या होता है, आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, 21 नंबर का, तो 21 का राइट आंसर असाधारण करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चुपके चुपके आप लोगों को पूरी तरीके से देख लेना है और देखिए यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, तो यहां पर 22 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पंडित राम आमतौर पर क्या थे, तो पंडित राम आमतौर पर क्या थे, राइट आंसर का डी नंबर यानी ज्योतिषी और वैद्य थे, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था यहाँ पर जो हमारा 25 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, चलिए 25 का राइट आंसर ए नंबर होगा, क्या होगा यानी 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। अब देखिए पद्मावत के रचनाकार है, तो पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो 26 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा यानी जायस, क्या होगा जायस करेक्ट आंसर, यानी जायस ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर यानी क्या होगा वल्लभाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन तो पता चल रहा होगा आप लोग। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था, 28 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर नहीं क्या होगा राम बोला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर नाभादास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भूषण के पिता का नाम था, तो भूषण के पिता का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं क्या होगा रत्नाकर त्रिपाठी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को ए नंबर यानी छायावाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती क्या, तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या यानी कहानी संग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, फटाफट से आप लोगों को बोलने हैं, तो राइट आंसर क्या होगा यानी बी नंबर धर्म देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था, तो मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था, फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर क्या बिनोद पार्वती बाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि आशीर्वाद का संधि विजेता, तो आशीर्वाद का संधि विजेता क्या होगा, तो राइट आंसर 35 नंबर का क्या होगा, बी नंबर यानी आशी जोरवाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नायक किस संधि का उदाहरण है, तो नायक जो किस संधि का उदाहरण है, तो 36 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, सदैव किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सन्मति का संधि विच्छेद जो होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए डी नंबर नहीं सत्योरमति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दशानन जिसके अर्थात दशानन में रावण कौन सा समास है, तो रावण कौन सा समास होगा, फटाफट से बोलना आप लोग को, तो 49 का राइट आंसर ए नंबर बहुबीरी समास है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। कह रहा है कि गजानन शब्द किस यानी गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर ए नंबर बहुबीरी समास का है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा कि चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो चरण कमल में कौन सा प्रयुक्त समास होगा, तो यहाँ पर 41 करेक्ट आंसर बी नंबर का कर्मधारय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घुड़सवार में समास है, तो घुड़सवार में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाए, तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो तुलसीदास जो किस काल के कवि हैं, तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या ए नंबर क्या होगा यानी भक्ति काल के। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है कौन सी रचना है, तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा श्रीनंबर श्रीनिवास दास की, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, सुबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो 45 का आंसर क्या होगा बोधा सिंह नाम था, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 46 नंबर करें कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो देश जनता को जाना है, तो यहाँ पर राइट आंसर श्रीनंबर महात्मा गांधी क्या होगा श्रीनंबर में देख लीजिए श्रीनंबर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है जी श्रीनंबर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि संस्कृति के चार अध्याय किसकी कृति है, तो 47 का राइट आंसर डी नंबर का रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से आप लोग रोक करके देख सकते हैं, मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ने हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो श्रीनंबर नहीं क्या होगा यानी अज्ञे की है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यानी हरी घास पर क्षण भर करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखा प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिए ए नंबर यानी क्या होगा गणेश शंकर विद्यार्थी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी चंपारण कब आए, तो गांधी जी चंपारण जो आए थे कब आए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर क्या होगा यानी अप्रैल 1917 में आए थे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर क्या होगा बर्मा में हो रही थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 52 नंबर का श्री नंबर का त्रिच राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीनम्रणी ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट होगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कौन सी रचना मलयज की है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 54 नंबर का, तो श्रीनम्रणी कविता के साक्षात्कार करेक्ट आंसर श्री नंबर हो जाएगा, बाकी ये सारे नहीं है। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने में जंगल किसके जंगल में किसके साथ गया था, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो श्री नंबर क्या होगा, थानू गया था। ठीक है जी चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 56 का बी नंबर यानी जीहू कृष्णमूर्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो यानी क्या यानी जल्दी से बोलेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर यानी पुष्टि मार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, तो 59 का राइट आंसर श्री नंबर का शेष सनातन करेक्ट सॉरी शेष सनातन नहीं होगा सॉरी तो नर हरिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, सबके हित में हित का वचन कौन कहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 7 नंबर का बी नंबर यानी कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाएगा, छत्रसाल दशक के छंद यानी छत्रसाल दशक में छंद है कितने छंद है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर यानी क्या होगा 10 छंद है। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे की आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा शिवाजी का महत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा 63 नंबर का जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं श्री नंबर ठाकुर रामनाथ सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, गीदर भभकी देना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर 64 नंबर का बी नंबर का नहीं झूठा डर दिखाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि विद्यालय का संदीप जीत है, तो विद्यालय का विद्यार्थी आलय करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए पूरी तरीके से फटाफट से बोलना है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलना आप लोगों को, यानी श्री नंबर बहुत क्रोधित होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए गांव का घर शीर्षक कविता किस पाठ संग्रह से ली गई है, तो 67 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलने श्री नंबर में क्या होगा यानी क्या होगा संस्यात्मा करेक्ट आंसर श्री नंबर होगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुरसागर के कवि हैं, तो सुरसागर के कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा यानी सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है, तो कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बी नंबर मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोले वैध का विलोम होगा, तो वैध का क्या होता है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा अवैध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोले नयन का संधि विजेत है, तो नयन का संधि विजेत क्या होगा, तो राइट आंसर ए नंबर नेज और अन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, तो बालकृष्ण भट्ट, स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम काफी बचे। अब देखिए आनंदित में कौन सा पर्याय होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट बोलेगा 73 नंबर का, तो 73 का राइट आंसर देख लेते हैं, तो दित इत या फिर दित होगा, तो राइट आंसर 73 का क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा राइट आंसर इत हो जाएगा। ठीक है जी चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी क्या होगा मूर्ख होना करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है चलिए अब देखिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा परीक्षा गुरु 75 नंबर का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो राइट आंसर डी नंबर जर्मनियों के साथ हुआ था। ठीक है जी चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है जी चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है जल्दी से बोलना आप लोगों को बी नंबर उर्वशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए कौन सी आज्ञे की नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सी आज्ञे की नहीं, तो त्रिच जो है आज्ञे की नहीं है, राइट आंसर यहाँ पर 69 का क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए डी नंबर। ठीक है चलिए अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा डी नंबर नहीं क्या होगा मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है चलिए अब देखिए तीन कठिया प्रथा संबंधित है, तो किससे, तो यहाँ पर एक से नहीं होगा यहाँ पर नील से होगा। ठीक है राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, निम्नलिखित में से बिस्नी की पर्योसिन कौन है, तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा श्रीमणी कुंती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए रोक रोक करके देख सकते हैं अगर आप स्पीड में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो यहाँ पर राइट आंसर 83 का क्या होगा बी नंबर नहीं क्या होगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है
अब देखिए जूठन क्या है, तो जूठन क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, डिनमणी आत्मकथा है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, तो क्या सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, यानी क्या होगा, 86 का ए नंबर, यानी क्या होगा, पुरुषवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि उपकार में उपसर्ग, तो उपकार में क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना आप लोग, 87 नंबर का, तो 87 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर होगा, ओके। अब देखिए सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं मोहन राकेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा था, तो राइट आंसर क्या होगा, 89 नंबर का, तो बी नंबर नहीं, चंचल रहा था, ठीक है। अब देखिए सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सच्ची सत्य जोर चित्त जोर आनंद, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। अब देखिए लीडर लीड बेटर की नज़र जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो ये राइट आंसर क्या होगा, यानी विश्व शिक्षक थे, राइट आंसर क्या होगा, श्री नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, घाट घाट का पानी पुनः मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बहुत अनुभवी होना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी सागर मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी, तो 94 का राइट आंसर बी नंबर, यानी गाँव का घर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए गला छूटना मुहावरे का अर्थ है, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी पिंड छूटना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, माथा ठकना मुहावरे का अर्थ है, तो 96 का राइट आंसर डी नंबर, क्या होगा, यानी अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, ये मोपासा कहाँ के थे, तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी फ्रांस के थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि दीपावली शब्द है संज्ञा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर 98 का राइट आंसर बी नंबर का, व्यक्तिवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पीएचडी के लेखक कौन है, तो पीएचडी के लेखक कौन है, तो 99 करेक्ट आंसर डी नंबर का, नहीं गाइडी मोपासा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करके अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है, तो यहाँ पर राइट आंसर 100 नंबर का क्या होता है, तो राइट आंसर डी नंबर, यानी 8 भाग है। देखिए आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का 1000 प्रश्न जो है पीडीएफ देने वाला हूँ, तो कैसे लेने वाले हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, 1 फरवरी में पूरी तरीके से पढ़ लेना है, वहीं से आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में, देखिए आप लोगों को 1000 प्रश्न कैसे लेना है, सबसे पहले गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे, उसका सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए अब यहाँ पर मैं ऊपर में सबसे पहले यहाँ पर दे दूंगा 1000 प्रश्न का, यानी जो मॉडल पेपर रहेगा यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर अभी नहीं किया हूँ, तो देखिए आप लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ से तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं, देखिए सबका यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर क्लिक करना है, जैसे जहाँ पर अगर पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर साइकोलॉजी का पढ़ना है साइकोलॉजी यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए नीचे में आएंगे ना, यहाँ पर सारा चीज़ है साइकोलॉजी का मॉडल पेपर, अब डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट मिल जाएगा और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी देखिए 1000 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, हिस्ट्री का मैं दिखा रहा हूँ, अब सबसे पहले नीचे आना आप लोगों को, देखिए अगर आप लोग इस समय यहाँ पर देखा लिखा होगा रिसेंट पोस्ट, ठीक है, नीचे आते आना है, नीचे यहाँ पर देखिए 1000 हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा और 1000 आप लोगों किसका मिलता है, यानी हिंदी का मिलेगा, तो आप लोग को यहीं पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने का आप देखिए यहाँ पर 1000 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से 1000 क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को यहीं पर दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इस पोस्ट को पढ़ करके, बस आप लोग जो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग का यानी जो रहेगा यानी वीडियो इतना तक, और आप लोग ज़्यादा फटाफट से इसका आंसर आप लोग को नीचे दिया गया मिल जाएगा, तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।